देखो जी साड़ी जी पंजाब की असल खेड है ना कबड्डी हो गई रैसलिंग हो गई जो अच्छ कांटेदार मुकाबला होया इन्हें अखीर कर दी है तो अल्लाह का शुक्र है कि साढ़े पाकिस्तान के इंटरनेशनल टीम आना शुरू हो गई हैं तो अल्लाह ने चाहा तो हमेशा पाकिस्तान पूरी दुनिया जाके झंडा गढ़ता है तो गढ़ांगे तो इंशाल्लाह असं इन्हों वेलकम करने तमाम पाकिस्तान जिन्हें टीम आई ने असं इन्हों का दिलों अपना शुक्रिया अदा करने तो इंशाल्लाह ताला हूँ इतने मैदान भी लगे रहेंगे तो मेले ही सजे रहेंगे साहब तहसील भी साड़ी जिला ननकाना है गाँव मुनियाला साड़ा मंडी फैजाबाद शिरकपुर शरीफ तो कबड्डी देख के सानू बहुत मजा आया जी जदों पाकिस्तान एक दो पॉइंट मतलब हार रहा सी तो उदों असीं बड़ियां दुआवां कर रहे सां पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जीतेगा जी बहुत मजा आया जी पाकिस्तानी प्लेयर बहुत मजबूत ताकतवर दलेरी नाल उन्हां मुकाबला कीता जी पाकिस्तान कबड्डी को बहुत इंजॉय किया जी ननकाना साहब से आए हैं और खासकर शफीक चिश्ती साहब अरफान साहब और मलक बिन्यामीन साहब का खेल जो है वो कमाल का खेल था। हाँ जी और माना जाट का है उसका भी बहुत बेहतरीन खेल था और हमने मैच को बहुत इंजॉय किया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ा प्यारा खेल लगा है सानू पाकिस्तानी टीम नाल भी बड़ा प्यार है जिला ननकाना है असी शुरू तो इन्हें मलक मुश्ताक दियाँ कबड्डियाँ तो रियाज म्याणे दियाँ तो दूसरा की उसका नाम कैप्टन दसी नहीं नहीं वो चीचा बतनिया वाला चीता चीचा बतनी वाले राणा मकबूल उन्होंने कबड्डियाँ असं पिंड करवाते रहे तो उदों तो सानू बड़ा शौक है इस कबड्डी का तो हूँ भी माशाल्लाह बड़ी कबड्डी हुई अज भी बड़ा दिल भी राजी होया वाम भी बड़ी है बड़ी खुशी है तो कबड्डी बहुत ठीक ठाक है चस आ गया मजे आ गए ने इंडिया नूं असीं इंडिया को बदला ले लिया इंडिया ने सानू जिहड़ा इंडिया च हराया सी अज असीं उन्हूं मूँह तोड़ जवाब दिता और वाजपाई नूं असीं अज कुटिया अज मारे अज असीं मेला लुट लिया और असीं इन्हां नूं दस्सिया सबक साहब पाकिस्तान जिंदाबाद चिश्ती जिंदाबाद। सबसे अच्छा खिलाड़ी वो लगा मोहम्मद बिन्यामीन अच्छा खेला और हमारे हम जीते हैं मुझे खुशी हुई है कि पाकिस्तान जीता और इंडिया हारा है। खेलते हुए आज टीम को देख के बहुत अच्छा लगा बहुत आला परफॉर्मेंस थी और बहुत एक अरसे के बाद ये सब देखने को मेरा बहुत मज़ा आ रहा है बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पंजाब स्टेडियम बहुत अमेजिंग था बहुत मजे की परफॉर्मेंस थी हमारी टीम की तरफ से और पाकिस्तान जीता है आई एम वेरी हैप्पी फॉर द विनिंग टीम पाकिस्तान जिंदाबाद। मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से ये इवेंट जो हुआ है हमें बड़ा खुशी हुई है बड़ा मज़ा आया है। हम इंडियन टीम को भी वेलकम करते हैं कि उन्होंने आए हैं हार जीत तो वो होता है वज़ाहिरा होता है लेकिन ये है कि हमें खुशी है कि ये इवेंट हुआ है और इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। सबसे अच्छा खिलाड़ी वो लगा मोहम्मद बिन्यामीन अच्छा खेला और हमारे हम जीते हैं मुझे खुशी हुई है कि पाकिस्तान जीता और इंडिया हारा है। तो मैं कहूंगी कि ये बहुत अच्छा हुआ कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने करवाया और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता है और ऐसे फंक्शन होने चाहिए ऐसे जो मैचेस है वो हर दफ़ा हर साल हर इवेंट होने चाहिए जैसे कि हर कंट्री में होते हैं क्रिकेट के अलावा भी कबड्डी जैसे हुए ना इंशाल्लाह नेक्स्ट भी होगी और पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बहुत अच्छा लगा मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी और मैंने बहुत इंजॉय भी किया और देखा भी कि माशाल्लाह दोनों टीमों ने बहुत एफर्ट की और पाकिस्तान इसमें बढ़ोतरी हासिल कर। पाकिस्तान और इंडिया का जिस तरह हमेशा से पाकिस्तान और इंडिया का चाहे क्रिकेट का मैच हो या किसी और गेम का हो और कबड्डी में भी पाकिस्तान और इंडिया हरीफ हैं तो आज भी मैच देखने में बहुत मज़ा आया है लेकिन हमारी हुकूमत पाकिस्तान और स्पेशल कर पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन से रिक्वेस्ट है कि इस तरह पाकिस्तान वुमेन के भी मैचेस होने चाहिए और हमें भी खेलने का मौका देना चाहिए। भाई हम तो वैसे ही कबड्डी के लवर हैं आप हर गेम के हम लवर हैं और जो पाकिस्तान में जो पहली लीग हुई थी उसकी ट्रॉफी भी मेरे पास है पहली कबड्डी लीग की और जब हम आए हैं मैं और गौरव साहब दोनों इकट्ठे आए हैं तो वो जब आए हैं तो सारे बैठे हुए थे उसको स्कोर था हमारा 21 और 27 था इंडिया का तो मैंने चौसा को बोला मैं कहा चौसा पे बड़ी दुआओं की लोड़ है ये दुआओं ने कम बढ़ना अल्लाह ने कर्म किया कि मतलब ऐसा 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 हमारे प्लेयरों ने मतलब उनको पकड़ा जब एक पकड़ने से दो स्कोर मिल जाते थे एक को पकड़ा एक उधर से भाग गया एक पकड़ा उसे भाग गया ऐसे करते करते कम से कम उन्होंने 7 से 8 जो लोगों को पकड़ा है
तो तब जाके हमारा स्कोर जो इधर हुआ है। और लगी बड़ी करने वाली है कि ऐसी ऐसी गेम में कब देखने को मिलती है। और इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो बस सारे उस वक्त तो बंदा ऐसे होता है कि हर बंदे को मतलब कोई यकीन करें कि हम आए हुए में आधा घंटा बैठा गवर्नर साहब को, और कमेंटेटर ने एक दफा अनाउंस भी नहीं किया उनको इतने। तो मैं कहूंगी कि ये बहुत अच्छा हुआ कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने करवाया और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता है। और ऐसे फंक्शन होने चाहिए, ऐसे जो मैचेस है वो हर दफ़ा हर साल हर इवेंट होने चाहिए, जैसे कि हर कंट्री में होते हैं। क्रिकेट के अलावा भी कबड्डी जैसे हुए ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी होगी। और पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी और मैंने बहुत इंजॉय भी किया और देखा भी कि माशाल्लाह दोनों टीमों ने बहुत एफर्ट की और पाकिस्तान इसमें बढ़ोतरी हासिल कर।